आशा कार्यकर्ता एवं आशा सुपरवाइजर संगठन के प्रदेश व्यापी आह्वान पर देवरी विकास खंड की 207 आशा कार्यकर्ता एवं 18 आशा सुपरवाइजर शुक्रवार से हड़ताल पर चले जाने से ग्रामीण अंचलों की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। शुक्रवार को विकास खंड की समस्त आशा कार्यकर्ताओं एवं आशा सुपरवाइजर ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर सागर के नाम एक ज्ञापन SDM CL वर्मा को सौंपकर वेतन निर्धारण किए जाने की मांग की है। इसके बाद आशा कार्यकर्ताओं ने SDM कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया और नारे लगाए कि हमारी मांगे पूरी करो, 2000 में दम नहीं, 10000 से कम नहीं, शिवराज सरकार होश में आओ, आशा कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजर का वेतन बढ़ाओ। इस तरह नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर में चल रहे विधायक जनता दरबार में पहुंचकर देवरी क्षेत्र के विधायक हर्ष यादव को ज्ञापन सौंपा और अपनी पीड़ा बताई। ज्ञापन देने वालों में आशा कार्यकर्ता सुपरवाइजर संघ की ब्लॉक अध्यक्ष सीता तिवारी, नीलम अहिरवार, सरोज विश्वकर्मा, आरती तिवारी, सुनीता खरे, जानकी पटेल, उषा पटेल, मालती गौड़, ममता साहू, आरती साहू, सुमन गौड़, धनपति पटेल, विमला प्रजापति, रूवी तिवारी, रेखा गौड़, माया रानी, अहिरबार, ममता आठिया, शीला पटेल सहित बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता मौजूद रहीं। आशा कार्यकर्ताओं को ठहरने के लिए रैन बसेरा उपलब्ध कराया जाए। क्षेत्र के समस्त आशा कार्यकर्ताओं ने SDM CL वर्मा को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि अस्पताल परिसर में जनपद पंचायत देवरी द्वारा निर्मित रैन बसेरा को आशा कार्यकर्ता और सुपरवाइजर 9 के लिए ठहरने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने मांग की है कि डिलीवरी के लिए गर्भवती महिलाओं को लेकर दूर दराज गांव-गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आती हैं, जहां रुकने की कोई व्यवस्था नहीं होती, रात्रि में इधर उधर परेशान होना पड़ता है, गांव जाने का साधन भी नहीं होता है। SDM ने इस मांग पर आशा कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि वे तत्काल रूप से रैन बसेरा आशा कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए आदेश जारी कर देंगे। तो आशा कार्यकर्ता हैं, क्या परेशानी हो रही है, क्यों हड़ताल की जा रही है? हम लोगों को बहुत कम वेतन दिया जा रहा है, 2000 रुपया रूटीन के दिए जाते हैं और उसमें क्या होता है, 2000 तो मजदूर भी नहीं लेते। क्या मांगे हैं आप, क्या चाहती हैं सरकार से? सरकार से ये चाहते हैं हम लोगों का वेतन 10000 रुपया कर दिया जाए और काम के दिए जाए। SDM के यहाँ आई हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर, हम लोगों की 7 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें सबसे पहली मांग है हम लोगों की कि हमारी आशा कार्यकर्ताओं को रूटीन इंसेंटिव का जो 2000 दिया जाता है उसके स्थान पर 10000 रुपये प्रति माह दिया जाए, और आशा सुपरवाइजर हम लोगों को 10000 रुपये दिया जाता है तो 10000 रुपये से हम लोगों का बढ़ा करके 15 से 20000 रुपये हम लोगों को प्रति माह मानदेय दिया जाता है, तो वो हम लोगों को वेतन के उस पर दिया जाए और हम लोगों को संविदा कर्मचारी घोषित किया जाए, एवं हम लोगों को आशा सुपरवाइजर जो पर्यवेक्षक हैं हम लोगों को ज़्यादा वो रहता है फील्ड पे, हम लोग 10 से 15 गांव प्रतिदिन जा करके वहां माह में हम लोगों को भ्रमण देना पड़ता है, तो हम लोगों को उसके लिए पेट्रोल भत्ता के रूप में 500 रुपये प्रति माह है वो फिक्स दिया जाए। तो आज से आप लोग हड़ताल पर हैं? जी सर। और सुपरवाइजर हड़ताल पर हैं, क्या है मांग और क्या कब तक चलेगी? मांगे अनिश्चितकालीन है हम लोगों की, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। क्या रहेंगी मांगे? मांगे यही है कि हम लोगों को मासिक में जो हम लोगों को मानदेय दिया जा रहा है वो ना दिया जाए, हम लोगों को वेतन भोगी करा जाए, वेतन दिया जाए, क्योंकि हम लोग मानदेय पे काम कर रहे हैं। मानदेय तो अभी तो जो मजदूर काम कर रहे हैं 300 रुपये उतना दिया जा रहा है, 300 रुपये में क्या होता है, 300 रुपये में कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग क्या बच्चों को पढ़ाएं, क्या लिखाएं और क्या खिलाएं? क्या समस्याएं आ रही हैं आशा कार्यकर्ता? सर, हमारी ये समस्या है, हम लोगों का मानदेय बढ़ाया जाए, 2000 रुपये मिलते हम लोगों को मासिक वेतन, तो हम लोग 2000 रुपये में बच्चों को पढ़ाएं, घर का खर्चा चले, जैसे उसी में काम कर रहे हैं हम लोग, घर का कुछ नहीं है तो उसमें क्या खर्चा चलेगा उस 2000 रुपये में? कितना चाहती हैं? कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये होना चाहिए। और सुपरवाइजर हैं, इनको वेतन नहीं मिलता और कम से कम वेतन मिलता है, इसमें सरकार जो ध्यान नहीं दे रही है, हड़ताल पे हैं आज से, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से बड़ा गंभीर मामला है, वो आशा कार्यकर्ता हैं, वो स्वास्थ्य कर्मी जो कोरोना काल में जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की जान बचाई, आज वो जो है वेतन वृद्धि को लेकर अपने नौकरी को परमानेंट करने की मांग को लेकर
10-10 ठोकर खाने के लिए बाध्य है। बड़ा सोचने का विषय है, इन आशा कार्यकर्ताओं को 2000 रुपये सहायिकाओं को जो 2000 रुपये मिलता है महीने, आज न्यूनतम वेग एक जो है कितना है, मगर दुर्भाग्य की बात है 200-300 रुपये मजदूरी चल रही है। इनका वेतन जब हम तुलना करें तो उससे भी कम होता है, जबकि इनको ब्लॉक मुख्यालय पे आना पड़ता है। एक एक कार्यकर्ता के पास 15 गांव हैं, कैसे अपने घर में खाने की व्यवस्था करती होंगी, कैसे बच्चों को पालन पोषण करती होंगी। निश्चित रूप से गंभीर मामला है, हम लोगों ने विश्वास दिलाया है कि इस मामले को हम लोग अपने 75 पत्र में शामिल करेंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर इनका हम लोग समाधान करेंगे और निश्चित रूप से इनके साथ न्याय होगा। देवरी से संवाददाता भरत ठाकुर की खास रिपोर्ट। तरुण फ्लावर डेकोरेशन आ गया है अपने शहर देवरी में। हमारे यहाँ कार, बलून, बर्थडे, सुहाग से गुब्बारा, गेट डेकोरेशन एवं बुक करने हेतु संपर्क करें। पता दीक्षा जनरल स्टोर के ऊपर मेन रोड देवरी। मोबाइल नंबर 7580895350। अन्य मोबाइल नंबर 6268351471।